वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं अब हम। और अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पहले भी मैंने वीडियो में कई बार कवर किया है, तो अभी मैं गौशाला जा रहा हूँ और मॉर्निंग के 8:30 हो गए अभी, तो फिर गौशाला होके फिर वापस आऊँगा। और भी बीच में कुछ काम है, वो सब काम करते हुए आऊँगा वापस। सबसे परे है कि इतने बिजी ट्रैफिक में एक साइड पे बसेस की पार्किंग कर देना, इसके पीछे क्या लॉजिक है कुछ समझ नहीं आता। दिल्ली की विधानसभा आ गई यहाँ पे, और इस एरिया में आके लगता है कि अच्छी ग्रीनरी और अच्छा मेंटेनेंस कर रखा है। मैं अब बस पहुँचने ही वाला हूँ वहाँ पे, और ये मेरे को घर से अराउंड 20 मिनट्स लगते हैं यहाँ पे आने में। यहाँ पे आने पे थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, तो इसलिए कोशिश होती है कि आ ही जाओ। यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, सब यहाँ पे पार्क करते हैं अपनी कार और चलते हैं अंदर। चलो चले अंदर। अब तभी निकल रही है अंदर से गाय, तभी सारा खाली था और ये अब गाय अंदर से निकल रही है थोड़े। चलते हैं जी, अब पेंट लगा दी जाए। तो लोगों ने सर्विस लेन से आना शुरू कर दिया। लोग ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं तो रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि हाँ जी कहाँ से निकले, कितने आगे पहुंच सकते हैं, पहुंच जाए ट्रैफिक जाम से बचे। अब हमें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा ये ट्रैफिक जाम में, पर ये रनिंग ट्रैफिक ही है तो शायद कम ही टाइम लगे। ट्रैफिक तो नॉर्मल सा ही है, पता नहीं लोग तो सर्विस लेन में से आ रहे थे। अब कई बार लोगों को इतनी जल्दी होती है कि वो कहते हैं कि बस सर्विस लेन से ले लो तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी काम के लिए टाइम से निकल जाओ, टाइम से पहले ही निकलना चाहिए, इनफैक्ट टाइम से क्या, देन यू फील मोर कम्फर्टेबल। ये थोड़ा अगर आपको रास्ते में प्रॉब्लम भी हो गया, ट्रैफिक मिल गया, कुछ व्हीकल ख़राब हो गया, तो टेंशन नहीं रहती, पता है कि यू हैव इनफ टाइम। ये भैया का टायर चेंज कर रहे हैं। अब जैसे अगर टाइम से निकलो बिल्कुल एग्जैक्ट, और अगर रास्ते में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तब बीपी हाई होने लग जाता है कि अब लेट हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो ज़रा एक काम था, पार्किंग देखते हैं, पार्क करते हैं कार। तो यहाँ से तो ये पता चला है कि इस एरिया में काम नहीं होगा, यहाँ पे उस एरिया का काम नहीं होगा जहाँ का मुझे कराना है। तो अब यहाँ से निकलते हैं, और वैसे भी ऑफिस कह रहे हैं कि 10 o'clock खुलता है, और अभी हुआ 9:30। चलते हैं देखते हैं कि साइड तो नहीं है।
जहाँ इन्होंने बताया वहाँ पे जाके देखते हैं, और टाइम हुआ तो वो काम कर लेंगे, नहीं तो फिर घर चलेंगे। सुबह सुबह तो ऑफिस के चक्कर में सब लोग लेट ही निकल रहे होते हैं, और रूल्स तोड़ते हुए रॉन्ग साइड से निकलते जाओ। तो मैं जहाँ पहुँचना था वहाँ पे पहुँच गया हूँ, जहाँ उन्होंने बताया था कि ऑफिस है। तो इट टुक मी अराउंड 12-13 मिनट्स टू रीच हियर। तो मैं पहुँच तो गया हूँ, तो हम अंदर चलते हैं। यहाँ से तो चले, ये कह रहे हैं यहाँ पे नहीं होगा, तो उन्होंने जहाँ लोकेशन बताई थी उसी लोकेशन पे दोबारा से जाना पड़ेगा। तो मैं पहुँच गया हूँ, होपफुली कि मैं सही जगह हूँ। तो मैं सही जगह तो पहुँच गया हूँ जहाँ पे काम होना है, और 10:10 हो गए, लेकिन यहाँ पे अभी जो गेट की है वो चाबी नहीं है इनके पास, और जिस पर्सन के पास चाबी है वो अभी तक आए नहीं, तो ही इज़ ऑन द वे। फिर चलते हैं अंदर, मैं ऑफिस में वेट कर रहा हूँ। सही ऑफिस तो मिल गया, उन्होंने वहाँ पे इतनी जल्दी काम किया। हाँ, ढूंढने में तकलीफ जरूर हुई, क्योंकि रेगुलर जाते नहीं है, तो वी डोंट नो वेयर द ऑफिस इज और किस एरिया का काम कहाँ पे होता है। सरकारी कोई भी काम कराना हो बहुत बड़ा ही होता है, बहुत छोटा हो तब भी। और अब घर जाकर आई हैव शावर, फिर उसके बाद तैयार होऊंगा, देन आई गो बैक फॉर माय वर्क। नाउ आई एम बैक होम, तो अब शावर लेता हूँ और फिर कुछ खाते हैं, और फिर आपसे मिलता हूँ मैं। ये अभी अभी एक न्यूज़ आ रही है कि चाइना में एक एरोप्लेन का क्रैश हुआ है, डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, तो ये देख रहा था मैं ज़रा। इट्स वेरी सैड अगर इसमें कोई लाइफ लॉस हुआ है तो ये जो न्यूज़ आ रही है इसमें तो यही कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट किसी माउंटेन से टकराया है, और ये बोइंग 737 एयरक्राफ्ट था। तो डिटेल्स तो अभी नहीं पता, जो भी अभी न्यूज़ में आ रहा है यही आ रहा है। इट्स वेरी सैड। तो मैं निकल रहा था घर से, तो अब चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं अपनी, एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। और आज मुझे जाना है दिल्ली से हैदराबाद, और इवनिंग की फ्लाइट है, और अभी बज गए हैं 2:30। अब मैं थोड़ा रेस्ट मेरी कार में ही कर लिया, और अब मैं एयरपोर्ट भी पहुंच गया हूँ। सुबह से निकला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, तो मैंने रेस्ट कर लिया था थोड़ा सा, एक क्विक नैप ले लिया, और उससे थोड़ी एनर्जी आ गई है, तो सुबह से ही उठा हुआ था मैं। तो चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर।